सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। शरद पूर्णिमा की रात दोस्तों कोई मामूली रात नहीं होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके भक्तों पर होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। वैसे तो हम सभी पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करते हैं, विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को अगर हम प्रसन्न कर पाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा की रात को दोस्तों विशेष उपायों की रात होती है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी के लिए अगर हम विशेष उपाय उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो उपाय फलीभूत होते हैं। बहुत छोटे छोटे मामूली उपाय हैं। तो इस पूर्णिमा की रात्रि को आपको करना क्या है, माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष करनी है और माँ लक्ष्मी को हमें क्या चढ़ाना है वो मैं आपको बता दूं। माँ लक्ष्मी को आप इस दिन उनकी प्रिय 5 चीजों का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को वैसे तो हम तमाम तरह के मेवा मिष्ठान लगाते हैं भोग में, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात में उन्हें आप भोग में लगाएं सिंघाड़ा, मखाना, दही, पान और बताशे। ये 5 चीजें हैं। आप इनमें से अगर 2 भी लगा लेते हैं, पान आप ले आए और बताशे, पान पर रखकर बताशे इस रात्रि माँ को आप जरूर भोग लगाएं। ऐसा अगर आप करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा से आप देखेंगे आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। घर में किसी भी प्रकार का संकट है धन से जुड़ा हुआ, वो तमाम संकट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। बहुत ही अचूक और सधा हुआ उपाय है ये और बहुत ही छोटा और सरल। अगर आप इन 5 चीजों में 2 चीजें जो मैंने बताई बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, पान का एक पत्ता और उस पर 5 बताशे, बस आपको इस उपाय में यही चाहिए। आप ये पूजा कब करेंगे, रात्रि में 9 बजे के बाद कभी भी कर लें। आप कोशिश करें कि 9-10 के बीच में ये पूजा कर लें, माँ को भोग लगाएं और सब परिवार प्रसाद के तौर पर इसे ग्रहण करें। दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अचूक और माना हुआ उपाय है। इस शरद पूर्णिमा आप इस उपाय को जरूर अपनाएं।